नमस्कार, मेरा नाम सेजल राजू पिछले। मैं कक्षा 7वीं में पढ़ती हूँ। मेरे पाठशाला का नाम श्रीमती शकुंतला बाई कांचनराव पत्रुवार विद्यालय मानगढ़ जिला परभणी। आज मैं नदी का जीवन इस विषय पर आप सबसे बात करने वाली हूँ। मैं हूँ नदी। आज मैं आप सबको मेरे जीवन के बारे में बताने वाली हूँ। मेरा जन्म कैसे हुआ, मैं कहाँ कहाँ से बहती हूँ और अंत में कहाँ पर जाकर समाना जाती हूँ। हिमालय पर्वत के बर्फ के पिघल जाने से मैं इस दुनिया में आई। जब मैं हिमालय से चलती हूँ तब मेरे अंदर बहुत कम पानी होता है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ती हूँ और मैदानी क्षेत्र में आ जाती हूँ तब मेरे अंदर का पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जैसे हिमालय से निकलती हूँ वैसे ही मैं बहुत पतली धारा से बहती हूँ। इस भारत की पवित्र भूमि पर मेरे बहुत सारे नाम हैं। कभी गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, सरस्वती आदि। इस भारत की भूमि पर लोग मुझे अलग अलग नाम से जानते हैं। बारिश के दिनों में मेरे इस नदी में बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है और इसी कारण मैं बहुत तेज़ी से बहती हूँ और अंत में समुद्र में समा जाती हूँ। मैं बिना किसी की रोक टोक के आज़ादी से बहती हूँ और कहीं पर भी नहीं रुकती। मेरे रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, लेकिन मैं उन सारी मुश्किलों को पार करके निकल जाती हूँ। किसान लोग मेरा उपयोग उनकी खेत में हुई फसल की सिंचाई के लिए करते हैं। आज का ये मनुष्य उसकी स्वार्थ सिद्धि के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर खुद का ही नुकसान कर रहा है। इसलिए प्राकृतिक आपदाओं का उपयोग कर जहाँ जहाँ पर नदियाँ हैं वहाँ के लोगों को उसका फायदा नहीं हो पाता। भारत के इस पवित्र भूमि पर ऐसे भी कई स्थान हैं जहाँ पर गर्मियों में नदियों का पानी ही सूख जाता है और वहाँ पर मनुष्य को एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ता है और इसका बहुत ज़्यादा फायदा किसानों को होता है। जब मैं किसी बंजर जमीन से निकलती हूँ तब वहाँ बंजर जमीन फसल के योग्य हो जाती है, क्योंकि जब मैं हिमालय से निकलती हूँ तब बहुत सारे रास्तों से गुजरते हुए आती हूँ, इसलिए मेरे अंदर इतने विद्यमान गुण हैं और इसीलिए इस भारत के भूमि पर के लोग मुझे बहुत अलग अलग नाम से जानते हैं। मैं नदी हूँ तो क्या, मेरे रास्ते के अंदर कोई मुश्किलें नहीं आती, कोई रुकावटें नहीं आती। यह सारी मुश्किलें मुझे आप सब इंसान के ही द्वारा मिलती है। जिस तरीके से आप मुझे दूषित करते हो, कूड़ा कचरा फेंकना, मुझे दूषित करना या फैक्ट्रियों का पानी मेरे दिल को और मुझे बहुत ज़्यादा दूषित कर रहा है। मुझे साफ सुथरा रखे, मुझे दूषित बिल्कुल ना करे। बहुत सारे लोग बस मुझे दूषित ही करते रहे, लेकिन अब प्लीज़ वैसा ना करो। कुछ लोग मुझे देवी की पूजा से सम्मानित करते हैं और वही लोग मुझे गंदा भी करते हैं। ऐसा ना हो इसलिए सरकार ने बहुत ज़्यादा नियम लागू किए हैं एक कदम स्वच्छता की ओर। धन्यवाद।